वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन को धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राण नाथ निज मूल पति श्री महराज सुना, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। मो बिलखतां तमे दया न कीधी, हवे शो आंक काढ़ू तमारो, दिन घड़ा हूँ रहिस तम सारो, हवे जो जो तमे जोर अमारो, हवे जो जो तमे जोर अमारो, आप होरो छे कठन एवो, यह खटुते की वाणी हमारी आत्मा की जागने का पहला सोपान है। खटुते की पृष्ठभूमि के बारे में मैं कुछ बातें बताऊं। इसका साहित्यिक रूप होता है षट ऋतु। छह ऋतुओं में क्या घटित होता है, एक विरहिणी अपने विरह को कैसे प्रकट करती है, वो इसमें दर्शाया गया है। चार महाकवि हुए हैं, प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा, महादेवी वर्मा। इनको छायावादी कवि कहते हैं। छायावाद क्या तात्पर्य क्या है, ये प्रकृति असत जड़ और दुखमयी है, लेकिन इसमें सचित आनंद की छाया है। यदि वो छाया ना हो तो प्रकृति में तो कुछ भी नहीं होगा। आप दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, आपकी छाया प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई पड़ेगा। वो वास्तविक नहीं है, किंतु वास्तविक जैसा है। ये जल प्रकृति क्या है, माया का रूप है। बड़े बड़े संतों ने माया को धिक्कारा है, फटकारा है, किंतु माया कहती है कि मैं क्या करूं, मेरे बिना तो सृष्टि का अस्तित्व तो नहीं होगा। सृष्टि करने वाला हो लेकिन मैं नहीं तो किससे सृष्टि बनाएगा। मैं कर्म में लगाती हूं, फल का भोग कराती हूं और प्रेरित करती हूं जीव के लिए। ये सांख्य दर्शन बोल रहा है। मैं जीव को विवश करती हूं कि मेरे बंधनात्मक सुखों से परे होकर शाश्वत आनंद में विहार करूं, लेकिन पृष्ठभूमि तो मैं ही तैयार करती हूं, मैं ही वह रंगमंच तैयार करती हूं जिसके द्वारा जीव अपने शाश्वत आनंद को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मुझे फटकारने की आवश्यकता नहीं है। कबीर जी ने क्या कहा है, माया महा ठगनी हम जानी, ब्रह्मा के घर ब्रह्मानी हुए, शिव के घर भवानी, तरह तरह की बातें कही गई। इसी छायावाद को ध्यान में रख करके सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला ने अलग अलग अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। महादेवी वर्मा ने प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण किया है। आप देखिए, जड़ प्रकृति में तो कुछ नहीं पैदा हो सकता। प्रकृति में जो लीला हो रही है, किसकी लीला हो रही है, हम तारतम ज्ञान के प्रकाश में कह सकते हैं कि यह सब स्वप्न है, नारायण की लीला है। लेकिन नारायण क्या है, अक्षर का मन है, स्वप्निक मन। और अक्षर स्वयं कौन है, राज्य का ही अंग है, राज्य का ही स्वरूप है, स्वरूप एक है, लीला दो। इस जागने के ब्रह्मांड में जो परम धाम की आत्माओं के साथ अक्षरती लीला कर रहे हैं, श्री देवचंद जी के धाम हृदय में बैठे हैं, एक ही पुरी में है, मिहिराज भी और देवचंद जी भी। देवचंद जी के तन में अक्षरातीत है, सर्वशक्तिमान है, सकल गुण निधान है, प्राण वल्लभ है, प्राण जीवन है, प्राण प्रीतम है। कितनी भी महिमा गाइए, ग्रंथ भर जाएंगे, महिमा का बखान नहीं हो सकता। लेकिन अभी आपने चौपाई सुनी, उसमें क्या कहा है, मुँह विलखता तमे दया न की थी, मैं विलखती रही और आपने दया नहीं की। जिसको दया न आए उसको क्या कहते हैं, निर्दयी। निर्दयी कौन होता है, कसाई निर्दयी होता है। किसको निर्दयी कह रही है, अपने प्राण बल्लभ को, जिसके बिना वो रह नहीं सकती है। क्या है, एक पीड़ा है,
पीड़ा क्या है? सागर लहरों के साथ क्रीड़ा कर रहा है, सागर तो लहरों का परित्याग नहीं कर रहा है, चंद्रमा अपनी किरणों को नहीं छोड़ रहा है, शीतल चांदनी को नहीं छोड़ रहा है, सूर्य किरणों को नहीं छोड़ रहा है, लताओं को वृक्ष नहीं छोड़ रहा है। झरने जब बहते हैं तो कलकलाते हुए बहते हैं, उसको मनोरम दृश्य देख करके किसी का हृदय आनंदित हो उठता है। मिराज के अंदर बैठी हुई इंद्रावती आत्मा की पीड़ा यह है कि क्या मेरा अक्षरातीत इन सबसे गया गुजरा है। आप एक लौकिक दृष्टांत से समझिए, घर में पति पत्नी में विवाद होता है, दोनों में बोल चाल नहीं है, पत्नी जो अपनी घनिष्ठ सहेली होगी उससे तो कह देगी कि मेरा पति ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, मेरे पति ने छोड़ दिया है, लेकिन पति के विरोधी से कभी नहीं कहेगी। यदि उसका पति का विरोधी कोई व्यंग बाण चलाता है तो कहेगी कि नहीं, मेरे पति ने तो मुझे कभी छोड़ा ही नहीं और हमारी तो बहुत अच्छी चल रही है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी गरिमा की भी रक्षा करनी है। लेकिन जब अकेली मिलेगी, बोल चाल होगी, तो पीड़ा को यही व्यक्त करेगी कि आप पूरे समाज में आपने मुझे नंगा कर दिया। यही भाषा है इंद्रावती की आत्मा की। देखिए पौराणिक कथा है कि सती के देह त्याग के पश्चात भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद कर ली कि मुझे इस संसार को देखना नहीं है, और अखंड समाधि में लीन हो जाती है, क्योंकि सती के बिना उन्हें संसार नहीं देखना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम सीता के अपहरण के पश्चात वन के पशु पक्षियों से पूछते फिरते, तुम देखी सीता मेरी की नहीं? जब पौराणिक मान्यता के अनुसार लक्ष्मी जी क्षीर सागर में गुम हो जाती है तो भगवान विष्णु तय कर लेते हैं कि असुरों और देवों को मिलाकर समुद्र मंथन कराकर लक्ष्मी को निकालना है। आप सोचिए, एक सीता के लिए भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी मर्यादा की कोई चिंता नहीं करते हैं, पक्षियों से वृक्षों से पूछते हैं कि तुमने मेरी सीता को देखा है और मेरा अक्षरातीत एक तन में बैठा है, एक पुरी में बैठा है, कितना असहाय है। बिहारी जी से कहते हैं कि बिहारी जी मेरे विराज को बुला लाओ। बालबाई से कहते हैं कि बालबाई मेरे मिहराज को बुला लाओ, लेकिन वो कोई उनकी बात सुन नहीं रहा है। सर्वशक्ति मानता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा है, कुछ नहीं कर सकते। और सारा संसार अब सुंदर साथ का अधिसंख्यक वर्ग यही तो मानता है कि देवचंद जी बालबाई के बहकावे में आ गए। और बालबाई ने धमकी दे दी कि डूबी पड़ी माँ कोपमा तो बाल भाई मारू नाम, यदि आपने मीराज का प्रणाम स्वीकार कर लिया तो मैं कुएं में छलांग लगा लूंगी तो मैं बाल भाई हूं, हम इतना ही तो जानते हैं। लेकिन ये सच नहीं है, ये घटनाक्रम है। देवचंद जी के अंदर जो अक्षरातीत का आवेश विराजमान है वो इस पीड़ा को झेल रहा है। आप देखेंगे जो व्यक्ति जितना ही बड़े पद पर होता है उसको उतने ही कठिन उत्तरदायित्व का बोध करना पड़ता है। अक्षरातीत जितने ही सर्वशक्तिमान हैं उनके सामने भी समस्या क्या है? एक मर्यादा की। मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो मर्यादा निभाने के लिए सीता का परित्याग कर देते हैं कि मेरी प्रजा नहीं चाहती है तो भले ही सीता निर्दोष, में परित्याग कर देता हूं। क्या राम सीता का परित्याग करने के बाद मुस्कुराए? नहीं। संसार ने देखा, संसार दोषी मानता है राम को कि राम को चाहिए था कि सीता का परित्याग नहीं करते। राम को परित्याग करना पड़ता है लेकिन राम के चेहरे पर हंसी नहीं। क्यों? कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो मुस्कुराते हुए चेहरे से लिए जाते हैं लेकिन अंदर के आंसू सूख गए होते हैं, उन आंसुओं को कोई जान नहीं पाता। मां अभिनिष्क्रमण के लिए निकल रहे हैं सिद्धार्थ, यशोधरा देख रही है कि सिद्धार्थ मेरे पलंग से उठे हैं, अब ये निकलने वाले हैं, सब मालूम है, लेकिन सोने का नाटक कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि मैं सिद्धार्थ की राह में रोड़ा न बनूं। कई कई को संसार कलंकनी कहता है कि कई
कैकेयी ने अपने पुत्र के लिए राम को वन भेजा, लेकिन कैकेयी जानती है कि यदि राम इसी अयोध्या में पड़े रहेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन पाएंगे, संसार का कल्याण नहीं होगा, इसलिए राम को यहां से निकालो, ये आवश्यक है। मीराज के तन में बैठ अक्षरातीत को लीला करनी है, मीराज को उस कसौटी पर कसना है, खरा सिद्ध करना है कि वह इस योग्य हो सके कि अक्षरातीत के वाहन को संभाल सके। इसलिए जैसे एक आदर्श माता, एक आदर्श शिक्षक, एक आदर्श पिता अपने बच्चे या शिष्य में मोहवश उसे आलसी, प्रमादी और अकर्मण्य नहीं बनने देते, चाहे उस पर कठोरता करना पड़े, सब कुछ करते हैं, वैसे ही अक्षरातीत को करना है। देवचंद जी एक सामान्य कोई प्राणी नहीं है कि कोई महिला दबाव दे करके भगा ले, मीराज कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है, हाँ वो जीव है, अभी उसको और निर्मल होने की आवश्यकता है, प्रेम की वेदी पर स्वयं को बलिदान करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब एक तरफ बालबाई कहती है कि आपको प्रणाम स्वीकार नहीं करना है, तो मीराज को पीड़ा होती है कि सतगुरु महाराज उनकी बातों में क्यों आ रहे हैं, सतगुरु महाराज उनकी बातों में नहीं आने वाले थे। लेकिन जैसे आप देखिए, आपने अभी चारों तरफ भागवत की कथाएं होती हैं, आपने सुना है श्री कृष्ण कुछ दिन के हैं, पुतना आती है दूध पिलाती है, तो कुछ दिनों का बालक थोड़े कहेगा कि मैं तुझे मार डालूंगा, दूध पिलाना चाहती है तो पिला, लेकिन दूध के साथ प्राण भी पी लेना है, प्रकृति की मर्यादा तो निभाएंगे, यदि नहीं निभाएंगे तो अपने ही मर्यादा को तोड़ दोगे तो सारी मर्यादा संसार की समाप्त हो जाएगी। सूर्य कह दे कि नहीं मुझे थोड़े देर रुक जाना है, चंद्रमा कह देगा कि नहीं मैं अपनी गति को रोक लूंगा, और तो जिन परमाणुओं को आंखों से देखा नहीं जा सकता, सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता, उन परमाणुओं की गति अवरुद्ध हो जाए एक मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, एक मिनट के लिए सृष्टि का कंपन बंद हो जाए तो सारी सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, ये आकाशगंगा नहीं रहेगी, ये सूर्य नहीं रहेगा, ये चंद्रमा नहीं रहेगी, केवल हम ही हैं जो धर्म की मर्यादाओं का अतिक्रमण करते हैं। इसलिए सबको एक अंधेरे में डाला जा रहा है और कसौटी पर कसा जा रहा है। श्री देवचंद जी के धाम हृदय में बैठे हुए अक्षरातीत उसी पुरी में रह रहे हैं। हम सब सुंदर साथ सामान्य बुद्धि से सोचते हैं, जैसे कि अभी आपने शब्दों को देखा, इसी जो चौपाई पढ़ी गई है उसके पूर्व की चौपाई के चौथे चरण में कहा गया है, तमे जो जो मारा बल, अब मेरी ताकत देखो, ये कब कहा जाता है, कोई विरहणी विलखते विलखते अपने आंसुओं को सुखवा डाले और उसकी एक भी बात नहीं सुनी जाती तो क्या कहेगी, उसके हृदय की पीड़ा व्यक्त होती है। जैसे कि अभी मैंने पहले कहा कि राम सीता का प्रत्याग हृदय से नहीं कर सके, शिव पार्वती को नहीं छोड़ सकते, सागर लहरों को नहीं छोड़ सकता, आप कैसे अक्षरातीत हैं जो ये कहीं पुरी में रहते हुए मेरे से मिलने के लिए भी आपकी स्वीकृति नहीं है, 4 वर्ष बीत गए हैं जुदाईगी का, अभी जो पहला विरह चल रहा है उसमें 2 ही वर्ष बीते हैं, लेकिन एक एक दिन मीराज के लिए कष्टकारी है कि सतगुरु महाराज इसी पुरी में है, मैं जाकर प्रणाम भी नहीं कर सकता। ये सारी लीला कराई जा रही है, हम हमारे और आपके लिए कराई जा रही है कि हम विरह की भाषा को समझने के योग्य बन सकें। हम केवल दोष निकालना सीख गए हैं कि देवचंद जी तो बकावे में आ गए बालबाई के, नहीं मूल स्वरूप का आदेश है, देवचंद जी का तन तो मात्र कठपुतली है, यदि वैसा न किया जाता तो मीराज विरह की शिक्षा पूरी नहीं कर पाते, विरह की पढ़ाई के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं बना, न कोई शिक्षण संस्थान है, ये क्रियात्मक जीवन है और उस क्रियात्मक जीवन में मीराज के हृदय के विरह का जो पौधा है उसको वृक्ष बनाना है, क्योंकि विरह का जब वृक्ष पल्लवित होगा, बढ़ेगा, फूल खिलेंगे, उसके फल लगेंगे तो उसकी सुगंध से ही सारा सुंदर साथ जागरूक हो पाएगा, तभी परमधाम की वाणी उतरेगी।
हम और आप सुंदर साहब तो सरलता से वाणी पा गए हैं, तो इसकी पीड़ा को नहीं समझ सकते। उस मीराज से पूछिए जिन्होंने हफ्से में 6 माह तक विरह में तड़प तड़प कर अपने प्राणेश्वर को पुकारा था। और ये नाटक की लीला जानबूझकर की जाएगी। क्या सर्वशक्तिमान अक्षरातीत को इतने असहाय होने की आवश्यकता है? इस संसार के छोटे छोटे महात्मा भी जो कुछ घंटे का ध्यान करते हैं तरह तरह के चमत्कार दिखा सकते हैं, लेकिन सदगुरु धनिष्ठ देव जी एक असहाय प्राणी की तरह बिस्तर पर लेटे लेटे कहते हैं कि बाल भाई महाराज को तो बुला लाओ, बिहारी जी महाराज को बुला लाओ। और ये दोनों उनको धोखा दे रहे हैं, वो अनजाने नहीं है, सब कुछ जानते हैं। जो यहां से बैठे बैठे परम धाम को देख रहा है, क्या वो महाराज के दिल की बात नहीं जानता? क्या वो बाल भाई की बातों को नहीं जान सकता या बिहारी जी की बातों को नहीं जान सकता? सब जानता है, लेकिन जानकर भी वो मौन बना है। देवचंद जी सब नहीं जानते हैं, देवचंद जी के अंदर जो बैठा है वो सब कुछ जानता है। और जानबूझकर ऐसा नाटक रचाया जा रहा है कि महाराज को हफ्से में पहुंचाया जा सके। यदि यही नहीं होता तो ये खटुदी की वाणी उतरती क्यों? यदि आसानी से वाणी उतर जाती तो आपको विरह के पाठ कौन पढ़ाता? यदि विरह का पाठ आप नहीं पढ़ते तो इस कलयुग के घोर अंधकार में आपको कौन कहता कि परम धाम तुम्हें देखने की आवश्यकता है, राज्य को देखने की आवश्यकता है? इसलिए ये जो कुछ किया गया हमारे लिए किया गया, लेकिन हम उस भावना को नहीं समझ सकते। अब देखेंगे षटऋतु में 6 ऋतुओं का वर्णन है। चंद्रमा आकाश में चमक रहा है, शीतल चांदनी बिखेर रहा है। संसार के लोगों के लिए तो ये आनंददायी है, लेकिन एक विरहणी के लिए पीड़ादायी है। क्योंकि दूसरा जब सुखी हो और विरहणी अपने प्रीतम के वियोग में अपना जीवन व्यतीत कर रही हो तो उसके लिए एक एक पल जीना कठिन होता है। एक मछली को पानी से निकाल दीजिए तो मछली तड़प तड़प करके प्राण छोड़ देती है, क्योंकि मछली का जीवन ही जल है। विरहणी आत्मा का जीवन ही उसका प्रियतम प्राणेश्वर है, अखिलेश्वर है, हृदयेश्वर है, जिसके बिना वो एक पल रह नहीं सकती। और वो जानती है कि मेरा अक्षरातीत जिस तन में बैठा है इसी पुरी में रह रहा है, लेकिन मुझे मिलने का अधिकार नहीं क्योंकि उसकी सुकृति नहीं है। सुकृति न होने की मर्यादा का उल्लंघन महाराज नहीं कर सकते। और कोई अलौकिक चमत्कार दिखाकर देवचंद जी भी बुलाने का अधिकार नहीं रखते, क्योंकि चमत्कार दिखा दिया तो सबको अभी पता चल जाएगा। इसलिए देवचंद जी भी खुश नहीं है, महाराज जी भी खुश नहीं है। दोनों तनों से अलौकिक लीला हो रही है जिसके रहस्य कोई कोई जानता है। अब आप देखेंगे चाहे शरद ऋतु हो वर्षा ऋतु हो, हर ऋतु में महामती जी की आत्मा ने विरह को दर्शाया है। हमारे 365 दिन अनायासी गुजर जा रहे हैं। हमारी दिनचर्या क्या है हम सब सुंदर सा जानते हैं। संसार के मनमोहन आकर्षण हमें कितनी बाधे रहते हैं, लेकिन वो महाराज है, उसी नौतनपुरी में बैठे हुए हैं, जिसको अपना सर्वस्व मानते हैं, उनके पास जाकर भी मिल भी नहीं सकते, प्रणाम भी नहीं कर सकते। लेकिन अब विरह चरम पर है। उलाहना अभी मैंने व्यक्त किया, उलाहना किससे की जाती है? जो अपना होता है। सिफारिश किससे की जाती है? जो पराया होता है। हाथ किसके आगे जोड़े जाते हैं? आप अपने से हाथ जोड़ेंगे? पड़ोसी से तो हाथ जोड़कर कह देंगे कि भाई साहब हमें कुछ ये दे दो। आप अपने घर के पति से पत्नी से कभी हाथ नहीं जोड़ सकते। जिसको आप अपना समझते हैं उसको अधिकार से कहेंगे कि ये मुझे दे दो, क्योंकि आप उसको अपना ही स्वरूप समझते हैं। इन द्रौपदी के सामने सबसे प्रश्न खड़ा यह है कि संसार, जैसे अभी मैंने छायावाद के बारे में बताया, सच्चिदानंद परमात्मा की छाया ये प्रकृति में लीला है, संसार ये मान रहा है। प्रकृति को पुरुष नहीं छोड़ रहा है, नारायण अपनी माया को नहीं छोड़ रहा है, और सर्वशक्तिमान अक्षरातीत ने मुझे छोड़ दिया एक असहाय अवस्था में। लीला रूप में क्या कहा जाएगा? देवचंद जी बुला नहीं सकते क्योंकि बाल भाई का दबाव है। सब सुंदर साथ तो भीतक सुनकर यही जानते हैं
बाल भाई कहीं रूठ न जाने तो कुएं में छलांग लगे, बेचारी मर जाएगी तो क्या होगा। आजकल जानते हैं किसी के कारण कोई आत्महत्या करता है तो 8 साल की जेल है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं छोड़े। देवचंद जी को जेल जाने का डर नहीं है, यह तो लीला है। बिहारी जी रूठ न जाए क्योंकि सगे बेटे हैं, सुंदर साहब तो यही समझते हैं, ऐसा नहीं है। अक्षरातीत किसी के दबाव में नहीं है, लेकिन नाटक की लीला में आवेश स्वरूप चाह रहा है कि मिराज को कसौटी पर खरा सिद्ध करना है, इसलिए विरह में तड़पाओ। अब जानते हैं जो मिलिट्री में रहे हैं, हमारे श्याम अधिकारी जी से पूछिए, ट्रेनिंग जब दी जाती है तो क्या किया जाता है। यदि उस समय कठोर ट्रेनिंग न दी जाए तो क्या होगा, उनको कोमल गद्दों पर जो जिसको सुला दिया जाएगा वो अच्छा सैनिक कभी नहीं बन सकता है। ममता की लोरी सुना सुनाकर किसी को योगीराज नहीं बनाया जा सकता है, या फूलों की सुगंध के बिस्तर पर बैठा कर किसी को महान विद्वान नहीं बनाया जा सकता है। यदि इनको आगे बढ़ाना है तो साधना की अग्नि में तपाना है। मिराज के तन को अक्षरातीत की शोभा देनी है तो उतनी खरी कसौटी कसी जाएगी, विरह के आंसुओं से उनको रुलाया जाएगा। देखने पर तो यही लगता है कि ये सतगुरु महाराज पूर्ण नहीं है, पूर्ण होते तो ऐसा क्यों करवाते, लेकिन मजबूरी है कि करवाना ही है। और इसलिए सरस्वती की वाणी हम सब सुंदर साथ के लिए है, क्योंकि पहली कसौटी क्या है, विरहा नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागे नार। ब्रह्मसृष्टि के अतिरिक्त किसी को भी विरहनी कहा ही नहीं जा सकता। गुफाओं में बैठकर योग साधना कर लेना बहुत सरल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। आप योग विद्या सीखिए, घर की मोह ममता छोड़कर हिमालय चले जाइए, सिद्धियां प्राप्त कर लीजिए, संसार आपको योगी कह लेगा, योगीराज कह लेगा। लेकिन आप विरह में तड़पते हैं, न बैठ सकते हैं, न उठ सकते हैं, न रो सकते हैं, न हंस सकते हैं, वो अवस्था आनी दुर्लभ है। और यदि अपने अंग का विसर्जन आपने कर लिया तो यही बैठे बैठे आप परम धाम को देखेंगे। इसलिए ये सरस्वती की चर्चा, हम सरस्वती को बहुत छोटा ग्रंथ समझते हैं, अरे क्या है, हो श्याम पी करू ने पुकारी तो लिखा है, ऐसा नहीं है। सरस्वती के चार चौपाइयों के एक प्रकरण को भी यदि आपने समझ लिया तो आपने बाजी जीत ली। आप विरह में तो तड़पना नहीं सीखे, आंखें बंद कर लेना ही केवल चित्त नहीं है, आपके हृदय में विरह की पीड़ा है कि नहीं, हृदय समर्पित है कि नहीं, आपने अपना हृदय अपने प्राणेश्वर को सौंपा है कि नहीं, पहला प्रश्न खड़ा होता है। यदि यह नहीं है तो आंखें बंद करते रहिए, 25 पक्षों को याद करते रहिए, एक ही शब्द आएगा, एक ही वाक्य आएगा, पर निकट ना आवे नाथ जी, वो नहीं आएगा। और जिसके हृदय में विरह बसता है, आ भी सुखी अंग में श्वास भी छोड़े हो संग, तब तुम पर्दा डाल के दियो मोहे अपने अंग। और देखिए प्रेम के अधिकार से महामती जी की आत्मा क्या कह रही है कि तुम्हें क्या हो, तुम निर्दयी हो। निर्दयी कौन कहेगा, भक्त नहीं कह, भक्त कहने का साहस ही नहीं है। जो प्रेम में बिलकती हुई आत्मा ही पुकार कर सकती है अपने प्राणेश्वर के लिए कि मेरी आंसुओं पर आपको दया नहीं आती, निर्दयी शब्द का प्रयोग नहीं है। लेकिन जिसके पास दया ना हो उसको क्या कहेंगे, निर्दयी। जिसको लज्जा ना आती है उसको क्या कहेंगे, निर्लज्ज। लेकिन किसी को निर्लज्ज और निर्दयी कह देंगे तो उसको बुरा लगेगा। लेकिन प्रेम के शब्दों में सारी बात करनी है, तुम दया से रहित हो। एक वृक्ष लता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, फूल अपनी सुगंध को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, सागर नदियों के प्रवाह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और अक्षरातीत जो सर्वशक्तिमान कहलाता है, जिसकी सतंग से अनंत ब्रह्मांड एक पल में बनते और लय को प्राप्त होते हैं, उसने अपने अर्धांगिनी को छोड़ रखा है, तो ये प्रश्न तो खड़ा होगा, संसार तो इसकी विवेचना करेगा। इसलिए इंद्रावती की आत्मा को यह सहन नहीं है कि हमारे और राज्य की लीला को संसार हंसी की तरह से देखे, इसलिए ये पीड़ा के स्वर उभर रहे हैं, जिसको अब सुनिए। तमे थई बैठा अलगा अबल, आप रोचे कठिन एवो, तमे थई बैठा अलगा अबल। मेरे प्राणेश्वर, मेरे आराध्य, ये बहुत कठिन समय है,
कि आप मेरे से अलग होकर एक ही पूरी में बैठे हुए हैं। मार्फत में अलगाव नहीं है, हकीकत में अलगाव है। आप देखिए, वृक्ष से एक पका हुआ फल गिर जाता है, लीला रूप में वृक्ष से फल अलग हो गया, लेकिन यथार्थ में क्या अलग हो गया? वृक्ष के पत्तों में जो सुगंध है, आम का उदाहरण देता हूं, वृक्षों में जितने फल लगे हैं उन सभी फलों में वही मिठास वही सुगंध है जो नीचे गिरे हुए फल में, और वही फल जब बीज रूप में परिणित होगा उससे नया अंकुर फूटेगा तो एक नया वृक्ष बन जाएगा, और उस वृक्ष पर जितने फल लगे हैं उससे भी ज्यादा फल लग जाएंगे। इसलिए परम धाम की आत्मा का अक्षरातीत से न कभी वियोग था, न है न कभी होगा। लीला रूप में दिख रहा है, हकीकत में दिख रहा है, मार्फत में वियोग था ही नहीं। लेकिन यदि वियोग ना हो तो मिलन की व्याख्या कैसे होगी? दुख नहीं है सुख की व्याख्या कैसे होगी? घृणा नहीं है प्रेम की व्याख्या कैसे होगी? इसलिए ये सबको तो दिखाना था इस खेल में, और सच्चुति के माध्यम से जो ये घटनाक्रम हुआ है कि मिहिराज को 2 वर्ष नौतनपुरी में रहते हुए भी अपने सदगुरु महाराज से मिलने का अवसर प्राप्त नहीं होता, पुनः जब कलाजी के पास जाते हैं वहां भी 2 वर्ष का वियोग, और पहले भी 5 वर्षों का वियोग रह चुका है। 1703 में गए होते हैं, 1708 में लौटे होते हैं। 9 वर्षों का वियोग पूरा होता है तब घटनाक्रम ऐसा करवट लेता है कि हफ्सी में वीरा जाना पड़ता है। निर्दोष अवस्था में जब बार बार पीड़ा मिलती है तो हृदय का वीरा फूटने लगता है। जो थोड़ा सा वीरा था अब ज्वालामुखी बनकर के फूटता है। आप सोचिए, हमारे हृदय में जब माया की वासना होती है थोड़ी सी, वो ज्वालामुखी बनती है तो फूट जाती है तो विनाश हो जाता है। लेकिन यदि विरह का एक बीज है, अंकुरित हो जाता है, पल्लवित पुष्पित होता है, तो आप सोचिए यदि विरह फूट गया, प्रेम फूट गया तो क्या होता है? जिस परमात्मा को खोजते खोजते सारी सृष्टि थक जाती है, वह परमात्मा भी हमारे पीछे पीछे चलने लगता है। ये मैं अलंकारिक भाषा में कह रहा हूँ, परमात्मा को किसी के पीछे चलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहने का आशय क्या है? एक प्रेम की अभिव्यक्ति है। जैसे वेद के एक मंत्र में बात कही गई है, अनायासी बार बार न चाहते हुए मैं उसको उद्धृत करता हूं, यद अग्ने श्याम अहम तम तम व घास्याम सत्या सुहते इहास, जो तू है वह मैं हो जाऊं, जो मैं हूं वो तू हो जाए। कितनी ऊंची बात कही गई है, हमारे और तुम्हारे बीच कोई भेद नहीं रह जाए। आप देखिए, कहां एक तरफ सर्वशक्तिमान जिसकी इच्छा मात्र से हमारे इस 14 लोकों के ब्रह्मांड जैसे असंख्य 14 लोक पैदा होते हैं, और कहां हम पृथ्वी पर एक छोटे से मानव का तन धारण करके बैठे हैं। हम तो धूल का एक कण भी नहीं बना सकते, सृष्टि रचना तो दूर की बात, हम एक मक्खी को भी जिंदा नहीं कर सकते, और जो सारे प्राणियों को जीवित कर रहा है, सारे प्राणियों को अखंड सुख देने वाला है, उससे अपनी तुलना कर रहे हैं। जो मैं हूं वो तू हो जाए, जो तू है वो मैं हो जाऊं, कभी संभव है? लेकिन ये तो वेद का वाक्य है। वाणी में इस प्रेम की इसी भावना को व्यक्त किया है, और सरस्वती के माध्यम से इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मेरे आराध्य, ये मेरे लिए बहुत ही कठिन समय है, मैं बिलख बिलख कर थक चुकी हूँ, कि मैं कलपती रही, विरह के आंसू बहाती रही, आपको आज तक दया नहीं आई, आपने कभी बुलाया नहीं। अब देखिए आगे के वाक्यों में कितनी पीड़ा है महामती जी के अंदर। वो पीड़ा हमें भी लेनी होगी, लेकिन हम पीड़ा तो नहीं लेंगे, राजी को एक देवता बनाकर बैठ गए, ऐसा देवता जो नारियल चढ़ाने पर खुश हो जाता है, एक बागे चढ़ाने पर खुश होता है।
मेहर सागर का गोटा पढ़ लेने पर खुश होता है, 108 बार महामंत्र का जप लेने पर खुश होता है, और वो हंसता है कि ब्रह्मात्माओं तुमने तो मुझे ब्रह्मा विष्णु शिव बना दिया, नारायण बना दिया, मुझे देवी जैसी उपमा दे दी कि नारियल चढ़ा दो सारी मन्नतें पूरी हो जाएंगी। लेकिन सरस्वती की वाणी क्या सिखाती है? सरस्वती की वाणी हमें दुनिया के कर्मकांडों से ऊपर उठाती है। आप बताइए, 6 माह हफ्से में मेरा जबीरा में तड़पते हैं, कभी किसी महामंत्र का जप किया? कभी तिलक लगाई, कंठी पहनी? कभी हे राज्य कृपा कर दो, मेहर कर दो, कभी कुछ बोला? आ विसुकी अंग में सांस बिछोड़े हुए संग, उनकी हर आ में उनका प्राणेश्वर है। गोपियों ने कभी किसी पुरस्तरण का जप नहीं किया। एक विद्वान का मैं प्रवचन सुन रहा था, उन्होंने कहा कि यदि आप 1 करोड़ तारतम महामंत्र का जप कर लो तो आपको वाक सिद्धि मिल जाएगी। 1 करोड़ महामंत्र का जप करने में न जाने कितने साल लग जाएंगे। अरे भाई, वाक सिद्धि तो आप सत्य बोलना शुरू कर दीजिए, आपको ये सिद्धि स्वतः प्राप्त हो जाएगी। तो तारतम राज्य की पहचान कराने के लिए आया है, वाक सिद्धि दिलाने के लिए नहीं आया है। राज्य आए हैं आपको दीदार देने के लिए, आपको परम धाम दिखाने के लिए आए हैं, आपको रिद्धि सिद्धि देने के लिए नहीं आए हैं, और आपको माया का सुख देने के लिए नहीं आए हैं। आपको ये नहीं आए हैं कि कुछ सिद्धि प्राप्त कर ली और सबको श्राप देते फिरो कि तुम्हारा ये नाश हो जाए, तुम्हारा ये नाश हो जाए। ये संसार में चलता है, अक्षरातीत के लिए ये सब संभव नहीं है। अब देखिए इस सरस्वती की वाणी आगे क्या कह रही है। कल कल्याणो यहाँ काम नहीं। अब ये पीड़ा है, खींच है। कल कल्याणो यहाँ काम नहीं, अब रोने से काम नहीं चलेगा। जब विरह अंतिम अवस्था में पहुंचेगा तो क्या कहेंगे? पहले तो इंद्रावती जी की आत्मा बार बार करे कि सतगुरु महाराज एक बार तो बुला लो, एक बार मैं देख लेना चाहती हूँ। आज दीपावली का त्यौहार है, आज होली का त्यौहार है, मुझे बुला लो, मैं आपके दर्शन करके तृप्त हो जाऊंगी, आपसे गले मिल लूंगी, आपको गुलाल लगा दूंगी, सारी भावनाएं व्यक्त हो जाती हैं। लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं होती है तो क्या पीड़ा होगी? कि अब मैं रोने वाली नहीं, बहुत रुला लिया। जब एक निर्दयी के आगे रोने से क्या लाभ है? ऐसा पत्थर जो पिघलना ही नहीं जानता, तो उसे आशा करना कि पत्थर तो मोम बनेगा नहीं। इंद्रावती की आत्मा यही कह रही है। पुराण संहिता का प्रकाशन हो गया है, और प्रेम की भाषा यदि आपको पढ़नी है तो पुराण संहिता को पढ़िए। एक स्वर में राधा न जाने कृष्ण को कितने अपशब्द बोल जाती है, लेकिन उन शब्दों में मिठास है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग नकल करना शुरू कर दिए, आप भी अपने पतिदेवों को ऐसे ही अपशब्द बोलने लगे, क्योंकि राधा जैसा प्रेम तो आप में है नहीं। आपने निर्लज किया नहीं, कहा नहीं, आपको वो तलाक का कागज पकड़ाया नहीं। तो इसलिए नकल उतना ही करना चाहिए जो कि संभव हो। महामती जी की आत्मा क्या कर रही है? कल कल्याणो यहाँ काम नहीं, राज्य मैं आपके लिए बहुत बिलख चुकी हूँ, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जीतिए पोताने बल, क्या जीतिए पोताने बल, जीतिए पोताने बल, अब मैं अब भी अपनी ताकत दिखाऊंगी। देखिए, जब सीता रावण के पास थी, पूरी राम की सेना में संशय था कि रावण जिसने न जाने कितने का सतीत्व भंग किया हो, जिसने कुबेर की पत्नी रंभा को नहीं छोड़ा हो, कितने राजाओं की युवा कन्याओं का सील भंग किया हो, उसके साथ रहने वाली सीता कैसे पवित्र हो सकती है? ये संसार ऐसा है, कहावत कही जाती है कि वहम अर्थात संशय रोग का इलाज तो हकीम सुलेमान के पास भी नहीं था। और संशय ऐसा बीज है जो संसार के किसी भी रिश्ते को तोड़ देता है, कितना भी घनिष्ठ रिश्ता हो, पति पत्नी का, भाई बहन का, माता पिता का, गुरु शिष्य का, सब में जहां संशय हुआ तो नष्ट हो जाएगा।
इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में एक बहुत ऊंची बात कही है, संशय आत्मा विनश्यत, जो संशयवादी होते हैं वो नष्ट हो जाता है। श्रद्धा श्रद्धा रखिए, लेकिन अंधश्रद्धा न रखिए, सत्य पर श्रद्धा रखिए। श्रद्धया सत्यम आप्यते, यदि आप में सच्ची श्रद्धा है तो आप सत्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन झूठ पर कभी भी श्रद्धा न रखिए, रूढ़िवादी परंपराओं पर श्रद्धा न रखिए। अभी महामती जी के तन से परमधाम की वाणी का अवतरण होना है और उसके लिए विरह में तड़पना है, तो महामती जी की आत्मा से जो कार्य कराया जाएगा उस कसौटी पर खरा सिद्ध करके कराया जाएगा। अभी मैं जो बात कर रहा था सीता की बात, राम सबके मंतव्य को समझते थे, इसलिए वो तो जानते हैं कि मेरी सीता चंद्रमा से भी अधिक पवित्र है। चंद्रमा में तो धब्बे कहे जा सकते हैं, लेकिन सीता के उज्जवल चरित्र में कोई धब्बा नहीं है। लेकिन फिर भी कहा सबके सामने कि सीता तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। अग्नि परीक्षा का तात्पर्य, यदि तुम पवित्र हो मन वाणी कर्म से, तुमने मेरे अतिरिक्त किसी अन्य का चिंतन नहीं किया है, तो तुम इसकी साक्षी दो। और सीता आती है सबके सामने, कहती है कि यदि मैं मन वाणी कर्म से पवित्र हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष का मैंने चिंतन नहीं किया है पति रूप में, तो यह अग्नि मेरे लिए शीतल बन जाए। और वैसा ही होता है। लेकिन जब लोक अपवाद के कारण, वैसे इस मान्यता को सभी नहीं मानते हैं कि राम ने सीता का दोबारा परित्याग किया था, फिर भी ये बात तो कही जाती है। जब दोबारा प्रजा कहती है, अयोध्या की प्रजा कहती है कि हम कैसे मान लें कि रावण के पास रही हुई सीता पवित्र है, राम तो जानते हैं कि संसार में कोई दूसरा अपवित्र हो सकता है लेकिन सीता अपवित्र नहीं हो सकती। जैसे ही दोबारा कहते हैं राम, सीता का धैर्य टूट जाता है और कहती है कि अब तो बार बार परीक्षा देते देते मैं थक चुकी, 14 वर्ष पहले वनवास में निकालना पड़ा, उसके बाद अयोध्या में आने के बाद फिर वनवास का कष्ट झेलना पड़ा, दोबारा कहा जा रहा है कि अपनी पवित्रता की साक्षी दो, साक्षी दो, तो क्या मैं इतनी गिरी हुई हूँ, जो समाज की कोई वेश्या भी होती है तो इसको चौराहे पर खड़ा करके नहीं कहा जाता कि तुम अपनी पवित्रता की साक्षी दो। मैं चक्रवर्ती सम्राट मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पटरानी, और प्रजा बार बार कह रही है कि तुम्हारा चरित्र दूषित है, तुम साक्षी दो कि तुम पवित्र हो। सीता कहती है कि हे धरती माता, मुझे जगह दे दो। वैसे तो वैदिक मान्यता में ये अलंकारिक घटनाएं हैं, पौराणिक मान्यता कहती है कि धरती फट जाए, फट जाती है और सीता धरती में समा जाती है। आप सोचिए, वही घटनाक्रम यहाँ पर है, वही भाषा है कि राज्य अब भी लिखने से काम नहीं चलेगा, कल कालू यहाँ काम नहीं, तमें जो जो मारा बल, अब मेरी ताकत आप देखिए। अब इंद्रावती की आत्मा क्या करेगी, अब रोएगी नहीं, रो कर क्या होता है, रोने से विरह कम हो जाता है। बनों को अटैक कम आते हैं, क्यों जानते हैं, ये रो कर अपनी पीड़ा को निकाल देती है। जरा सी बात हुई आंसू बह जाएंगे, आंसू बहाकर तो वो अपनी पीड़ा कम कर लेती है। पुरुष रोता है तो सारी दुनिया हंसी उड़ाएगी कि तुम मर्द होकर के रो रहे हो, तुम औरत हो। इस लाज के कारण 99% पुरुष रोना पसंद नहीं करते, लेकिन वही पीड़ा दबाते, दिल तो दोनों का एक है, पीड़ा दबाते दबाते पुरुष हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है, महिलाएं बच जाती हैं। अब इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि अब रोऊंगी नहीं मैं, अब तक मैं 6 ऋतुओं में बिलखती रही हूं कि मुझे बुला लो, दर्शन दे, मैं आपके दर्शन करना चाहती हूं। इंद्रावती जी ने कभी नहीं कहा कि सतगुरु महाराज मेरे ऊपर आकर आइए, अब बारी आ रही है क्या, जिया हूं तिहा तमे आओ, अब मैं यहीं हूं, यहीं आना पड़ेगा, मैं बुला करके रहूंगी और आप आओगे। ये कौन है, विरह की टीस है। पुराण संहिता में एक बहुत अच्छा प्रसंग दिया है,
योग माया का प्रसंग है। श्री कृष्ण राधा को देखते देखते राधा के प्रेम में डूबकर राधा का तन पा जाते हैं। राधा श्री कृष्ण के विरह में डूबकर राधा का तन श्री कृष्णमय हो जाता है। अब देखिए, प्रेम त्रिगुणातीत होता है। प्रेम शरीर से परे होता है। शरीर का आकर्षण प्रेम नहीं है, आत्मा का आकर्षण परमात्मा के साथ होता है। आत्मा और परमात्मा में प्रेम होता है, संसार में प्रेम नहीं होता। संसार में स्नेह होता है, मोह होता है, आसक्ति होती है। जब स्वार्थ के बंधन टूटते हैं तो ये रिश्ते भी टूट जाया करते हैं। इसलिए यदि हम सोचते हैं कि हम संसार में प्रेम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो नहीं, ये तो हमारा स्नेह का बंधन है, आसक्ति का बंधन है। अब इंद्रावती की आत्मा हफ्से में पहुंचती है, विरह के वो पल गुजरते हैं। हर पल एक ही पुकार है, कोई प्रार्थना नहीं है, रोना धोना नहीं है। जैसे अपलक नेत्रों से किसी को देखा जा रहा है, इंद्रावती की आत्मा अंतर्दृष्टि देख रही है, अभी मेरा प्राणेश्वर आएगा। ध्यान किसको कहते हैं? तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, एक तानता बनी रहे। झरने का पानी गिर रहा है, निरंतर गिर रहा है, कभी व्यवधान नहीं आ रहा है। नदी बह रही है, निरंतर बह रही है। आत्मा की दृष्टि यदि राज्य पर लग गई तो लगातार लगी ही है। इसी को तो ध्यान कहते हैं। ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, इत पलक न पीछे फेरिए जो इसक उपजत। पलक एक पल के लिए भी हमारी दृष्टि राज्य से हटे नहीं, इससे बड़ी चित ध्यान की परिभाषा क्या होगी? जो पलक न पीछे फेरिए कहा है, वही तत् प्रत्येक तानता ध्यानम, वही ध्यानम निर्विषयम, मना दर्शन की भाषा में उसको ऐसे ही कहा जाएगा। हम रो रहे हैं, समर्पण की भावना को दर्शा रहे हैं, तो हमारे आंसुओं को हमारी कमजोरी न समझना चाहिए। अब प्रेम खड़ा हो रहा है बराबरी का अधिकार लेकर। देखिए, राजा का प्रेम किससे होगा? रानी से होगा। दासी से क्या प्रेम होगा? दासी तो बेचारी डरती कांपती रहेगी राजा के सामने, उसको बोलने की हिम्मत नहीं, तो राजा क्या करेगा? जब तक आप रोते रहेंगे आपकी पुकार क्यों सुनी जाएगी? क्योंकि आप डरते रहते हैं। सुंदर साध को जब देखता हूँ, माथा टेकते हैं, कान पकड़ते हैं, तो मुझे हंसी भी आ जाती है। अरे भाई, कान क्यों, किसके आगे पकड़ रहे हो? आप कोई चोर डकैत हो क्या कि कान पकड़ रहे हो कि अब गलती नहीं करूंगा? आप अपना हृदय दे दीजिए, कान पकड़ने की जरूरत नहीं। वो तो प्रेम का सागर है, वो कोई पुलिस का कुतवाल नहीं है कि कान पकड़वाएगा, दंड बैठक करेगा, डंडे मारेगा। आप उससे प्रेम कीजिए। आप एक चोर को डंडे मार सकते हैं, लेकिन 5 साल का बच्चा आप कुछ भी रखिए, उठाकर लेगा आपके सामने, आप उसको डंडा नहीं मार सकते। क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी 5 साल के बच्चे को डंडा नहीं मार सकता। वो जितना मांगेगा उतना देना, क्योंकि वो निश्चल है। वैसे ही आप पवित्र हृदय बनिए, अपना हृदय समर्पित कीजिए, फिर आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। आगे वही बात कह रहे हैं। केड़ बांधे ने जारे कीजिए उपाय। केड़ बांधे करें कि अब तो एक प्रतिज्ञा करनी है, एक दृढ़ संकल्प करना है। त्यारे तमे थाओ नरम। आप नरम कब होंगे? जब मैं भी दृढ़ संकल्प कर लूंगी अपने आत्मसम्मान को लेकर। देखिए, अहंकार और स्वाभिमान, अभिमान और स्वाभिमान में बहुत अंतर है, जमीन आकाश का अंतर है। जो अभिमानी होता है उसको अहंकारी कहा जाता है। अभिमानी या अहंकारी कौन है? जिसको अपने धन का अहंकार हो, अपने रूप का अहंकार हो, अपने पद का अहंकार हो, अपनी प्रतिष्ठा का अहंकार हो, वो अहंकारी है। और अहंकार विनाश का जनक है। स्वाभिमान उन्नत का मार्ग प्रशस्त करता है। स्व का अभिमान अपनी आत्मा का अभिमान। संसार का कभी अभिमान न कीजिए, लेकिन अपनी आत्मा का स्वाभिमान भी न खोइए। जब तक इंद्रावती जी की आत्मा बिलख रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब इंद्रावती की आत्मा बिलखना बंद कर रही है, एकटक निहार रही है। किससे? अपने अधिकार से। सब कुछ सौंप चुकी है,
पहले मांग रही थी, याचना कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, अब याचना भी नहीं प्रार्थना भी नहीं, अपने स्वत्व का अधिकार लेकर कह रही है कि सीधे साधे आओ, चुपचाप आ जाओ, मेरा अधिकार है बुलाने का और आपको आना पड़ेगा। और राजी यही चाहते हैं। कीर्तन में एक प्रकरण आता है, मारा वस की धल वाला रे मुसु अलका केम करी था। आप तो मेरे बस में किए हुए हो, आप मेरे से अलग होने की शक्ति कैसे रख सकते हो? ये कौन कहेगा? जो प्रेम में डूब गया है। देखिए, प्रेम की भाषा एक निश्चल भाषा होती है। मैं एक बचपन का घटनाक्रम सुना रहा हूं, उससे एक थोड़ी सी झलक मिल जाएगी। जब मैं विद्यार्थी जीवन में था, संभवतः 10वीं क्लास में होगा, अपने कॉलेज जा रहा था, तो एक गांव का लड़का जो कहीं बाहर रहता था आया, आता रहता था, मेरे से परिचित था, साइकिल से जा रहा था, मैं पैदल जा रहा था। और 40 वर्ष बीतने के बाद भी मैं आज तक उसके प्रेम भरे शब्दों को याद करता हूं। साइकिल मेरे पास चलाते चलाते लाता है, कहता है कि मैं कुचल दूं कुचल दूं, मुस्कुरा रहा है और कह रहा है कि मैं साइकिल चढ़ा दूं चढ़ा दूं। उसके शब्दों में एक प्रेम है, वो मुझे कुचलेगा नहीं क्योंकि मेरे से अगाध स्नेह रखता था, लेकिन उसके हृदय की जो अभिव्यक्ति है ऐसा कहने में उसको आनंद लग रहा है। मैं कहीं जाता हूं गुजरात में, सिक्किम में बहुत स्वागत होता है, फूलों फूल फेंके जाते हैं, लेकिन उन फूलों में वो प्रेम नहीं दिखता जिस जो उस बच्चे के उस वक्त में था कि मैं साइकिल से कुचल दूं, क्योंकि वो उसके हृदय की भाषा है। फूलों के हार तो औपचारिकता है। मैं ये नहीं कहता कि सुंदर साथ प्रेम नहीं रखता, लेकिन वो मेरा कोई गहरा मित्र नहीं था, लेकिन उसके हृदय से ये प्रेम फूट रहा है कि मैं आपको कुचल दूं कुचल दूं। मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराने वाला तो कुचलेगा नहीं, लेकिन उसको लग रहा है कि ऐसा कहकर मैं अपना प्रेम प्रकट कर रहा हूं। यही इंद्रावती की भाषा है। यदि आप प्रेम की भाषा नहीं जानते तो सटृति का अर्थ भी आपको नहीं आएगा। ये बुद्धि की भाषा नहीं है कि कल कल्याणों का अर्थ आप जान जाएंगे। जिसने विरह में डूबा है, अपना हृदय समर्पित किया है, वही खटृति की व्याख्या को समझ सकता है, वही खटृति की व्याख्या कर सकता है। यह विरह वाणी है, ज्ञान वाणी नहीं है। और विरह और प्रेम में के क्षेत्र में जब प्रवेश करना चाहते हैं तो ज्ञान का दरवाजा बंद कर दीजिए, तब आपको समझ में आएगा। जब तर्क वितर्क चलते रहेंगे तो विरह की भाषा प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती है। आपो पू ज्यारे नाखिए आंख मिची, आपो पू ज्यारे नाखिए आंख मिची, त्यारे तूने आवे शर्म। अब देखिए, जिसको शर्म न आए लज्जा न आए, क्या कहा? निर्लज्ज। पहले क्या कह दिया? निर्दयी, कि मैं बिलखती रही, तुमने दया नहीं किया, तुम क्या हो? निर्दयी हो। निर्दयी कौन होता है? आप देखते हैं ना, कसाई बकरा काटता है, उसे कहे कि अरे मत काटो मत काटो, वो मानेगा? वो तो बकरे की गर्दन पकड़कर आपके सामने ही रेत देगा, बकरा का मुंह बंद कर देगा कि बोले नहीं। आप क्या कहेंगे? कसाई है, निर्दयी है। इतने कठोर शब्दों का प्रयोग है, लेकिन उन कठोर शब्दों में एक प्रेम है। अब क्या कर रही है? आपो पुआ नाखिए जारे आंख मिची, तेरे तूने अवे शरम। राजी की ये पीड़ा के शब्द हैं। आपको लज्जा तब आएगी, आपो पान नाखिए, मैं अपना अस्तित्व मिटा दूंगी, आंख मिची, आंखें बंद कर लूंगी। अपने अस्तित्व को मिटाकर आंखें बंद कर लेने का तात्पर्य क्या है? अपना सर्वस्व समाप्त कर देना। अपना अस्तित्व कब समाप्त होगा? जब विरह में हमारे प्राण छूट जाएंगे। ये स्वर किसके हैं? पीड़ा के अंतिम शब्द हैं कि क्या मेरा शरीर छूट जाएगा तब आपको लज्जा आएगी, अर्थात तब आप मेरे सामने आएंगे।
ये कौन पुकारेगा? जो महापुरस्तरण मंत्र का जप करते हैं 1000 बार या कितनी बार माला लेकर गिनते रहते हैं कि राज जी आपको मैंने आपका मंत्र मैंने याद कर लिया। सुंदर साहब जी एक बात याद रखिए, हमारे समाज में प्रचारित किया जाता है कि तारतम महामंत्र आया भवसागर से पार ले जाने के लिए। तारतम महामंत्र नहीं आया, तारतम ज्ञान आया। मंत्र का अर्थ क्या होता है? मननात मंत्र है, जिसका मनन किया जाए। तारतम ज्ञान का मंत्र, ज्ञान का सूत्र है, उसका मनन कीजिए कि तारतम की 6 चौपाइयों में क्या लिखा है। ये अवश्य मैं भी कहता हूं, जब आप चितवनी करती हैं तो तारतम का 2 बार पाठ कीजिए। इसका भाव क्या है कि अब तक आप संसार का चिंतन कर रहे थे, 2 बार का 1 बार पाठ करेंगे तो संसार से मन आपका हट जाएगा और आप राज्य की तरफ मुड़ना शुरू करेंगे। लेकिन मैं कभी ये नहीं कहता कि 108 बार या 1000 बार पाठ कीजिए, 1,00,000 बार पाठ कीजिए। कभी बचपन में मैं भी 10-10,000 गायत्री मंत्र का प्रतिदिन जप किया करता था, लेकिन आज मैं देखता हूँ तो क्या है, वो मेरी नर्सरी की क्लास थी। पहले 2री क्लास में जैसे एडमिशन कराया जाता है, 10,000 मंत्र से क्या होगा? हाँ, कुछ बुद्धि की तीक्ष्णता हो जाएगी, कुछ और उपलब्धियां प्राप्त हो जाएगी, लेकिन ध्यान समाधि में जो साक्षात्कार का सुख है, उसके सामने मंत्र जप क्या है? ये जो तारतम धाम से लाई, तारतम करी ब्रह्मांड में रोशनाई, तारतम ज्ञान का उजाला सारे ब्रह्मांड से अंधकार हटा देगा अजंता का, और परम धाम का दर्शन कराने के लिए तारतम ज्ञान आया है। राज्य के हृदय में हम स्वयं को देखें, अपने हृदय में राज्य को देखें, हम अपने मूल संबंध की पहचान करें, इसके लिए तारतम ज्ञान आया है। तारतम ज्ञान इसलिए नहीं आया कि आप 1000 बार मंत्र का पाठ करो, 21 बार पाठ करो, 5 बार पाठ करो, ये तो अनपढ़ लोगों के लिए है। आपके पास तारतम वाणी का प्रकाश पहुंचा है, आप इतने ही बैठे घर जागे धाम की अवस्था को प्राप्त कीजिए। आप संसार के कर्मकांडों में बंधने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि सारे संसार को भवसागर से पार कराने के लिए आए हैं। इससे सबको प्रेम की जलधारा से सिंचित कीजिए, ये सरस्वती की वाणी यही है। और इससे बड़ी और प्रेम लक्षण भक्ति क्या होगी, जब महामती जी की आत्मा कह रही है, आपो पान नाखिया आंख मिची त्यारे तूने आवे शर्म। आपको लज्जा तब आएगी जब मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगी अपने अस्तित्व को मिटाकर, अर्थात मैं शरीर छोड़ दूंगी। तो यह विरह की पीड़ा है। अब अधिकार मांग रही है, पहले गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी कि राजी मुझे बुला लो, मैं दर्शन करना चाहती हूँ। अब क्या कह रही है, अब मैं आऊंगी नहीं, आपको आना पड़ेगा, नहीं आओगे मैं अपने अस्तित्व को समाप्त कर लूंगी, और यदि मेरा अस्तित्व समाप्त होगा तो कलंकित कौन होगा? आपको होना पड़ेगा। तब तो दुनिया के देवी देवता अच्छे, ब्रह्मा विष्णु शिव अच्छे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम अच्छे, कि सीता को खोजते खोजते वर्षों वर्षों वन वन भटक रहे हैं, और मैं आपको विरह में मैं पुकार रही हूं, तो आपके पास आने के लिए समय नहीं। मैं वही घटनाक्रम कह रहा हूं, मेरा प्रसंग कुछ बदल गया था। मैं योग माया में राधा कृष्ण की लीला का चित्रण कर रहा था, एक गोपी आकर कहती है, जो पहले राधा थी वो श्री कृष्ण बन गई है। आप सोचेंगे कैसे? भाव से। योग माया में जो कुछ आप संकल्प करेंगे वो तुरंत हो जाता है, ये काल माया का ब्रह्मांड है, प्रकृति की ब्रह्मांड में। वैसे ही इस माया के संसार में भी कुछ न कुछ होता है, संकल्पमयो पुरुषा है। आप क्या बनेंगे? जैसा आप संकल्प करेंगे, जैसा आप भाव करेंगे। आप प्रतिदिन भाव कीजिए, मैं कौन हूं? मैं शुद्धो अस्मि, बुद्धो अस्मि, संसार माया परिवर्जितो अस्मि। मैं शुद्ध हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूपा हूं, मैं माया से अलग हूं। तो आप ऐसे ही होते जाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं, मोही हूं, तो आप वैसे ही बने रहेंगे। आप क्यों सोचते हैं कि मैं चोर हूं, क्यों सोचते हैं कि मैं पापी हूं? कई संत ऐसे ही बोल देते हैं, अपने को पापी समझो, दुर्बल समझो, ये कमजोर मानसिकता है।
आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए कि मैं कौन हूं। अक्षरातीत की हृदयेश्वरी हूं, अक्षरातीत की प्राणेश्वरी हूं। अपना अधिकार न छोड़िए। दीन दुर्बल को कोई नहीं पूछता है संसार में। आप राज्य के सामने भी अपने असहायता को मत दर्शाइए। आप राज्य से कहिए कि आप मेरे प्राणेश्वर है तो मैं क्या हूं, मैं कोई दासी थोड़े हूं, मैं भी आपकी प्राणेश्वरी हूं, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूं। लेकिन हमारे पास साहस ही नहीं है। सुंदर साहब तो कान पकड़ करके चक्कर लगाने वाले, चक्कर लगाने वाले समझते हैं, परिक्रमा लगाने वाले। मैं कहूं कि सच बोलिए, क्या आपका कोई है? कह देंगे कि सभी हैं। लेकिन कभी जीवन का कट अनुभव मिले तो आपको पता चलेगा कि आपका उसके सिवा कोई नहीं है। लेकिन जब माया का सुख होता है तो लगता है कि ये मेरे सारे हैं। जो अनादि काल से आपका है वो पराया नजर आता है। जो पराये हैं उनको तो आपने जबरन सीने से लगा रखे कि ये मेरे हैं। मेरी मेरी करत दुनी चाहते हैं, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पांव पलक का नहीं भरोसा तो भी सिर सर्जन को न देवे। एक पलक का भरोसा नहीं है, लेकिन ये दुनिया सृजनहार सृष्टिकर्ता को, उस परमात्मा को अपना हृदय देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है, जो तमे राखो पोतानी लाजा। महामती जी की आत्मा कह रही है कि राजी, जो राखी, जो तमे राखो राखी पोतानी लाज। यदि आप अपनी लाज बचाना चाहते हो तो मेरी इच्छा पूरी कीजिए। सीधे चुनौती अब दी जा रही है। या तो निर्लज कहो, निर्लज नहीं कहलाना चाहते हो तो मेरी इच्छा पूरी करो। क्या है? तत्खिन आवीने तेड़ी जाओ। तत्खिन आवीने तेड़ी जाओ, तुरंत आओ मुझे बुलाओ। तुरंत तेड़ी ने बुलाओ, मुझे तुरंत आओ। अब देर करने की आवश्यकता नहीं है। ये होता है अधिकार। जहां प्रेम की भाषा एक मूक भाषा होती है, प्रेम में दो का बंधन नहीं होता है। दो शरीर होते हैं, एक हृदय होता है, तब समझिए प्रेम होता है। हम इस संसार में माया का तन लेकर बैठे हैं। राज जी भी देवचंद जी के धाम हृदय में विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। इंद्रावती को तन से लेना देना नहीं, उस तन में बैठे हुए अक्षरातीत से है। और कह रही है कि यदि आप अपनी लाज रखना चाहते हैं, अपनी गरिमा बचाना चाहते हैं, तो इसी क्षण तत्क्षण आवीने तेटी जाओ, इसी क्षण आप आ जाएंगे। जेम काढू मारा रुद्यानी दाज। जेम काढू मारा रुद्यानी दाज, जिससे मैं अपने हृदय की दाज मिटा लूं। आपको एक पल की भी अब छूट नहीं दी जाएगी। आप अपनी गरिमा बचाना चाहते हो तो सीधे आ जाओ। ये कौन कहेगा? जो प्रेम के रस में डूबा होगा। संसार दास भक्ति का सहारा लेता है, परमात्मा की महिमा गाता है। मैं ये नहीं कहता, प्रकाश हिंदुस्तानी में एक प्रकरण यह है राज्य की महिमा गाने का, स्तुति गाने का कई प्रकरण है। लेकिन अब एक ऐसी अवस्था आती है जहां वाणी मौन हो जाती है, एक अधिकार बन जाता है और सीधे कहा जाता है कि राज्य मेरी आत्मा के धाम हृदय में आइए। मम प्राणेश मम हृदय अगच्छ, मेरे हृदय में आ जाओ। सामवेद का पहला मंत्र इसी से शुरू होता है, अग्ने यो आय विते। हे परमात्मा तू मेरे हृदय मंदिर में आए, आ जा। पहला मंत्र इससे शुरू होता है। हम सुंदर साथ को परम धाम की वाणी सुनने को मिलती है। कल आपने बानिका बहन के मुख से सुना था, कितना हृदय को चीरने वाला गायन था, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम। सुंदर साथ केवल इस चरण को समझ जाए कि अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है तो खेल समाप्त, जागनी हो जाएगी। लेकिन जब तक ये समझ में नहीं आता तब तक कोई पैदल यात्रा करता है, कोई क्या क्या करता है, कोई माला फेरता है। हंसी आती है कि कहाँ ढूंढते हो, किन कर्मकांडों में सुंदर साथ फंसा है। भिखमंगे की तरह नारियल लेकर खड़े हो जाते हैं, कोई बागा लाकर आता है, कोई कुछ लाता है,
अरे भाई, राज्य को केवल राज्य तो तुम्हारे हृदय के प्रेम के भूखे हैं, उनको दिल देने के लिए तैयार नहीं हो। थोड़े से धन कमाकर कुछ संसार की वस्तुएं खरीद लाते हो और कहते हो कि राजी ये इच्छा पूरी कर दो, मांगते भी फिर माया की चीज। इसलिए शत्रुदेव की वाणी कहती है कि तत्खिन अविने तेडी जाओ जेम काटू मारा रुद्यानी। हाँ, आप इसी क्षण आइए, मेरे सामने आइए, जिससे मैं अपने हृदय की पीड़ा को बुझा सकूं, पीड़ा की अग्नि को शांत कर सकूं। आपका प्राणेश्वर हर पल आपके साथ है, न तो कभी अलग हुआ था, न है और न कभी होने वाला है, लेकिन हमारी अंतर्दृष्टि उसको नहीं जान पाती, हम संसार के प्रवाह में बहते हैं। इसलिए 11 वर्ष के बाद भी अलगाव माना था, रास में भी वीरा की लीला हुई, देवचंद जी के तन के छोड़ने के पश्चात भी सबने गादी में खोजना शुरू किया और आज भी गादी में राज्य को मानते हैं। अपनी आत्मा के हृदय में जो वाणी पुकार पुकार के कह रही है, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम, इसमें कोई खोजना नहीं चाहता। विरह की औषधि लेकर इस भाव रोग को मिटाइए। जिसने श्रद्धा के अमृत भरे प्याले का रसपान कर लिया, समर्पण के सिंहासन पर अपना आसन जमा लिया, उसके लिए राज्य को पाना कुछ भी कठिन नहीं है। असंभव नाम की वस्तु किसके मस्तिष्क में होती है आगे मैं नहीं कहूंगा। इन नेपोलियन का कथन है कि असंभव शब्द किसके मस्तिष्क में होता है, जो इस कथन को पढ़े होंगे जान जाएंगे। और यदि आप कहते हैं कि असंभव है राज्य को देखना, परम धाम को देखना, तो वो भी उसी स्तर में आते हैं जो पढ़ना चाहते हो किताब से नेपोलियन का कथन पढ़ लेंगे उसने क्या कहा है। इसलिए अब सुंदर साथ को जगना है जागने के ब्रह्मांड में, तो आप शत्रुती की वाणी को अंगीकार कीजिए और देखिए कि शत्रुती की एक एक चौपाई आपके लिए क्या कह रही है। अब चौपाई दोहरे चौपाई दोहरे। इंद्रावती कहे वली मनोरथ पुरजो, जो तमे राखो पोतानी लाज, तत्क्षण आवीने तेड़ी जाओ जेम काडू मारा रुदियानी दाज, जेम काडू मारा रुदियानी दाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे।